वो घर में रह रही हैं। ये बात मैंने भी इनसे कही थी कि अगर काम वाली थी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था वो, क्योंकि उनके ये बोगी मुँह से झाग रहे थे और बोगी नीली थी, मतलब मेरे भाई की बल्दी वो लगा लिया, उनके बच्चे हैं जो कि मेरे भाई से कोई बच्चा पैदा नहीं है, उसकी उम्र है 55-60 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मौजूद हूँ। एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। हाल ही में इनके भाई की मृत्यु का मामला सामने आया, हालांकि इनका कहना है कि ये हत्या थी। अब इस मामले को लेकर इनका क्या कुछ कहना और आखिर क्यों इन्हें शक है कि इनके भाई का कत्ल किया गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हरिओम। आपके भाई का क्या नाम था? किशन लाल। कितने साल के थे? 44 साल। शादी हुई थी उनकी? नहीं। क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी मौत नहीं हत्या हुई है? वो क्योंकि उनके ये बोगी मुँह से झाग रहे थे और बोगी नीली थी, और मैंने कहा था हॉस्पिटल के पेपर दिखाओ, उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाए और उन्होंने कहा जो करना हो कर लो। किसने कहा? उसी सीमा ने। सीमा कौन है? दो जो जो अपने उनके रिलेशन में लेगिस थी। तो आपके भाई और सीमा का क्या रिश्ता था आपस में? खाली रिश्ता कोई नहीं था, तो ये काम करने आती थी घर पे, और जब से ये काम करती थी उसी के रिलेशन में ये भाई से जुड़ गई थी। तो कोई अफेयर चल रहा था आपस में इन लोगों का? नहीं, अफेयर कोई नहीं था। घर में सिर्फ साफ सफाई करने आया करती थी? साफ सफाई करने आती थी। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि आपके भाई की ऐसे मौत नहीं हुई है, हत्या हुई है, इसमें सीमा का एंगल कहाँ से जुड़ रहा है? सीमा का एंगल इसलिए जुड़ रहा है कि डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रही है, ना कोई प्रूफ दिखा रही है, ना मतीजा जो होता है उसमें बुलाया, ना 13वीं में बुलाया, और जिसमें भाई रहते थे उसी में जाकर मकान तक कब्जा कर लिया। एक प्लॉट मैंने बेचा था जिसमें मेरा पैसा रखा था, वो भी ताला तोड़ कर निकाल कर ले गई। आपके भाई के प्लॉट में सीमा रह रही है जबकि वो सिर्फ एक काम वाली है? काम वाली है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ये कहती है कि मैं उसकी घर वाली हूँ। तो क्या आपके भाई ने बताया था कि शादी की है उन्होंने? भाई ने आज तक नहीं बताया कि शादी की। मैंने पेपर भी मांगे थे रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज के पेपर दिखाओ, करिए हमारे पास कोई पेपर नहीं है। तो क्या आपके भाई अकेले रहते थे, उनके साथ और को भी कोई रहता था? नहीं, भाई अकेले रहते थे, इससे पहले मैं और मेरी माँ रहती थी, भाई के साथ ही रहते थे। अब एक साल पहले मैं कालकाजी चला गया था। और आपकी मम्मी कहाँ रहती है? मम्मी तो एक्सपायर होगी सन 2013 में। और ये सीमा का आपके घर पे कब से आना जाना है? ये 7-8 साल से आना जाना हुआ है इसका, 7-8 साल से काम करती थी ये। तो ऐसे घर पर कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने एकदम से? एक मतलब ये है कि ये दिखाई उसने बच्चों का आधार कार्ड से कैसे करके नाम गलवा लिया है, मतलब मेरे भाई की बल्दी वो लगा लिया, उनके बच्चे हैं जो कि मेरे भाई से कोई बच्चा पैदा नहीं है। पहले से ही उनके बच्चे? पहले से ही उनके बच्चे हैं। इन सीमा जो है इनकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है 55-60 साल। 55 साल के आसपास है। तो क्या आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? मैंने 18 तारीख को सोनिया दर्ज दिया गया DCP ACP कमिश्नर के यहाँ, मैं कम से कम 15-16 कंप्लेंट दे चुका हूँ अब तक। तो ये तो आपको शक है ना कि आपके भाई की मौत ऐसे नहीं हुई है, हत्या की गई है? नहीं, मुझे पूरा शक है कि इन्होंने झेड़ दिया है। तो ऐसा किसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है या आपने देखा हो कुछ ऐसा जो आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि पूरे कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि बोगी नीली है और मुँह से झाग आ रहे हैं, तो उसी समय कॉलोनी वाले कह रहे उसके आप कार्रवाई करो। मोहल्ला वालों ने मुझसे पोस्टमार्टम नहीं करवाया था बॉडी का? नहीं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया, उससे पहले हमें जो है गुमराह कर दिया था। तो आप लोगों ने इतना इन्वॉल्व क्यों किया? वो एक काम वाली थी, तो इतना आप लोगों ने उनकी बात क्यों मानी कि उन्होंने कह दिया कि चलिए आप ले जाइए सीधे शमशान घाट, तो आप बॉडी लेकर चले जाते हैं, उनके कहने पर आप क्यों आएंगे? मैडम हम होपलेस हो गए थे थोड़ा सा, एक तो रोने पीकने के चक्कर में किसी से विश्वास नहीं किया जाता, विश्वास के चक्कर में रह गए। मैंने धमकी दी थी मैं कि पुलिस को बुला रहा हूँ, मैं नहीं मुझे डॉक्यूमेंट दिखाई, वो करे ठीक है आप हम सब कुछ दिखाएंगे, सारा प्रूफ दिखाएंगे, उन्होंने मुझे कोई प्रूफ नहीं दिखाया। डॉक्यूमेंट किस चीज़ के मांग रहे हैं आप? एक तो हॉस्पिटल के कागज जहाँ ये लेके गए, और दूसरा क्या है कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जो शादी कर रखी वो दिखाओ, ना तो वो दिखा रहे हैं ना कोई प्रूफ दिखा रहे हैं। और घर में रह रहे हैं तो कोई पुलिसकर्मी ने निकाला नहीं या फिर कोई एक्शन नहीं लिया उन पर? पुलिसकर्मी के पास गया था, राजेश हेड कॉन्स्टेबल है सोनिया बिहार थाने में, उन्होंने कहा कदा ये मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता इस, क्योंकि ये जो है उस दही मेरे आके मतलब मैंने इसमें जो रिपोर्ट लिख के देनी वो दे दी जी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उससे पहले मेरे भाई ने अब से करीब 4-5 साल पहले खुद मेरे भाई ने कंप्लेंट लिखी थी इस लेडीज के खिलाफ, इस लड़के के खिलाफ कि मुझे इससे मेरी जान का खतरा है। तो
उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? उस 5 साल उससे कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब आपके भाई ने कंप्लेंट भी लिख दी 4-5 साल पहले कि इस औरत से खतरा है, तो वो फिर भी घर में आना जाना क्यों लगा रखा था? उनका रिलेशन फिर थी जो है तकनीक क्या, तो दुकान पर आती थी, सामान उधार लेके जाती थी, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर इन्होंने 1-2 महीने से जाना आना चालू कर दिया, फिर खाने पीने के मेरे पास कई बार तो कॉल दी आई थी कि तुम कहाँ हो, मुझसे पूछती थी तुम कहाँ हो, तो मैं कहता था मैं कालका जी हूँ, बार बार ये कहती थी तुम कहाँ हो, तो मुझे शक होता था कि ऐसा ना हो मेरे भाई के साथ कुछ कर दे। काम क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई खाली प्रॉपर्टी काम करते थे और खुद उनकी जनरल स्टोर की दुकान थी। तो क्या घर में से कोई सामान भी गायब हुआ था, ऐसा भी कुछ है? हाँ, मेरे 4.5 लाख रुपये थे एक थे, और 1.5 लाख एक रखे थे, और 2.5 लाख एक रखे थे, जिसमें मैंने 9 तारीख को एक प्लॉट देखा था, और 12 तारीख को घटना हुई है। 9 तारीख को एक प्लॉट देख कर मुझे दूसरा प्लॉट लेना था, वो भी पैसे मेरे घर में रखे थे, वो भी ताला तोड़ के ही निकाल के ले गई। कंप्लेंट कौन सी तारीख को दर्ज करवाई थी आपने? 18 तारीख को दी थी, एक 22 तारीख को दी थी, एक फिर 1 तारीख को दी थी, फिर मैंने 5 तारीख को दी थी, फिर मैंने 13 तारीख को दी थी, फिर मैंने 23 तारीख को दी थी, फिर मैंने 1 तारीख को दी। इस मामले में जो कंप्लेंट आपने अभी मुझे दिखाई थी, इसमें सीमा के अलावा भी कुछ लोगों के नाम है, वो कौन है? वो रोहित है, इनके ही बच्चे हैं, रोहित राजू। और उनकी उम्र जो मैं देख पा रही हूँ अभी कंप्लेंट में, आपको स्क्रीन पर भी दिखाती हूँ, 30 के आसपास कुछ उम्रें यहाँ पर नजर आ रही हैं। जी जी जी, 30। इतने बड़े बड़े बच्चे भी हैं? इतने बड़े बड़े बच्चे भी हैं। तो ये सब शामिल हैं इस पूरे स्कैम में? सारे घटना में जो घटना हुआ सारे शामिल है इसमें, सबका ही हाथ है इसमें। अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई? चाहता हूँ इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये सब जो भी आप कह रहे हैं तो सिर्फ शक के आधार पर कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ सामने तो नहीं आया, कोई ऐसा सबूत तो आपके पास है नहीं? सबूत है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के पेपर नहीं दिखा रहे, नहीं कोई प्रूफ दिखा रहे, जबकि वो उनकी घरवाली नहीं है, वो कहती है मैं घरवाली हूँ, कोर्ट मैरिज की रजिस्ट्रेड शादी नहीं दिखा रहे मुझे। अच्छा, जिस घर में अभी वो रह रही है उसके कागजात हैं आप लोगों के पास? मकान के पेपर मेरे भाई के नाम है, उसके नाम कुछ नहीं है। और शादी का आप लोगों को कुछ पता नहीं, आपको लग रहा है सिर्फ झूठ बोल रहे हो? शादी का कोई प्रूफ नहीं है उसका, खाली झूठ बोलना है बस। शादी के प्रूफ हो तो मैंने थाने में भी मांगे, मैं थाने में तो है, राजेश कहने लगा, कहता ये नहीं होता, ये जब रहने लगती है तो वही शादी होती है, पुलिस वाले ने ये कहा था मेरे से। आपके भाई की मौत को कितना समय हो चुका है? मौत को ये 12 तारीख 5वां महीना 2023 में हुई थी ये। आपका नाम? नरगिस। इस मामले पर आपकी क्या, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरह से आप जुड़ी हुई हैं इनके साथ, मामला भी आप देख रही हैं नज़दीक से। मैंने इनकी सारी चीज़ें इतने दिनों से देख रही हूँ, जितनी इन्होंने कंप्लेंट डाली है कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ना तो पुलिस वाले सुन रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो घटना हुई है अन्यथा किसी के साथ ना हो, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्राइम है, और ये मैंने चाहती हूँ क्राइम हो, क्योंकि अगले इंसान को हत्या करके मारा जाए, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया जाए, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें घर में आने जाने की इजाज़त दे दी गई, वो घर में रह रही हैं? ये बात मैंने भी इनसे कही थी कि अगर काम वाली थी तो इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहें कि भाई की मर्जी है, लोग भरोसा कर रहे, करने दो, भाई की लाइफ है, अगर वो खुश हैं तो रहने दो। तो हमने ऐसा खुश किस बात की जो आज ये तुम्हारे साथ नुकसान हो गया, ये तो बात मैंने भी कही थी इनको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो ये हुआ ये होना नहीं चाहिए। आज इनके साथ किया, कल किसी और के साथ करेगी वो। और मैं जब इनके साथ में गई वहाँ पे मैंने पूछा भी, तो कहने लगे कि ऐसा है चाहे कहीं भी चले जाओ, थाना मेरा है, हम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग करती क्या है वो, ऐसा बस काम ही करती घर घर में या और भी कुछ करती? पता नहीं भाई क्या करती, मैं तो पहली बार गई थी वहाँ पे देखने, उनका तौर तरीका देख के ही मैं चुपचाप चली आई कि मैं ऐसे लोगों से लगना नहीं चाहती मुँह से, क्योंकि बदतमीज टाइप की औरत है वो, तो मैं चुपचाप घर आ गई। ऐसे किसी के घर में तो कोई घुसेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सबूत हो गई उनके पास, क्योंकि ऐसे कौन किसी के घर में जाके, ना आप रह सकते ना मैं ऐसे किसी के घर पे कब्जा कर सकती हूँ। तो बात सही है, लेकिन तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर मिसिंग है, दाल में कुछ काला जैसा कहूँगी मैं यहाँ। अब उन्होंने अपनी उनकी मर्जी चली होगी कि शादी करने या नहीं करना, अब उनके साथ में रहते थे और उनके लड़ाई झगड़े भी सुनते होते थे, लेकिन साथ रहने के कारण उन्होंने सोचा कि इसका मैम प्लॉट भी लेकर दे दिया था उन्होंने उसके लिए। तो मतलब आपके भाई प्यार करते थे उनसे, ऐसा कुछ था? प्यार लग रहा था उन्हें, वो खाली ये कहती थी मैं गरीब हूँ, सहारा ढूंढ लिया, मतलब सहारा लगाया था उसका, और उन्होंने सोचा हमें थोड़ा खर्चे का सहारा मिल जाएगा,
यही था दोनों का रीज़न, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जिस कंडीशन के इनके भाई थे ये लोग हैं वो लेडीज़ कंडीशन की नहीं, जो कोई प्यार ऐसी लेडीज़ से कोई कर लेगा, वो लेडीज़ प्यार लायक दिखती ही नहीं है। जिस तरह की लेडीज़ है तो कोई खड़ा ही नहीं उन्हें देगा, लेकिन बस उन्होंने सोचा कि हमें दो रोटी का सहारा हो रहा है, उन्होंने सोचा हमारे के पैसे आ रहे हैं, क्या चलता है, चलने दो काम, उसी का फ़ायदा उस लेडीज़ ने उठाया। आपके भाई से शादी करना चाहती थी वो? हाँ, शादी करना चाहती थी, वो दबाव बना रही थी। मेरे भाई ने मना कर दिया, और मेरे भाई ने 7-8 साल 4-5 साल पहले कंप्लेंट दी थी इसके खिलाफ कि मुझे इससे, इसके बच्चों से और इससे खतरा है। पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, अब ये घटना हो गई, अब भी एक्शन नहीं ले रही पुलिस। और वो कहती है कि मैंने तो पूरा थाना सारा खरीद रखा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता कुछ। मैं सोनिया विहार दी, दे गई DCP, SCP हर जगह दे रखी मैंने, काफ़ी कंप्लेंट दी इन्होंने, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही वाकई में, इसलिए कॉल करी। देखिए, ये मामला ज़रा फिल्मी सा नज़र आ रहा होगा आपको, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अटपटी लग रही हैं। एक काम वाली का पूरा एक कैरेक्टर यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जो कि घर पर कब्ज़ा कर लेता है, इनके भाई की मौत होती है, हालांकि इनका कहना है कि इनके भाई की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई, उन्हें जहर देकर मारा गया है। हालांकि इस मामले को लेकर जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरा मामला आपके सामने है, आप कॉमेंट करके बताइएगा इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप